It's not a game, it's a rich game. दोस्तों हुंडई ने अपनी क्रेटा पर बेस्ड 7 सीटर कार अल्काज़ार को लेकर सब कुछ ऑफिशियली रिवील कर दिया है, यानी कि सारी चीज़ों को लेकर अभी कंफर्मेशन आ गया है कि इसकी लॉन्च डेट, इसके वेरिएंट, इसके कलर ऑप्शन, इसमें में 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन कौन से वेरिएंट में देखने को मिलेगा, इसके फीचर्स क्या होंगे, इंजन ऑप्शन क्या होंगे। हाँ, लेकिन एक्सेप्टेड इसकी प्राइस, क्योंकि इसकी प्राइस है वो हुंडई है वो लॉन्च के समय के दौरान इसकी जो सारे वेरियंट की प्राइस है वो रिवील करेगी। और दोस्तों इसके लॉन्च के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात कि अगर आप चैनल पर नया वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इस वीडियो आई मीन इस चैनल पर जो वीडियो है वो डालता रहता हूँ कार न्यूज़ कार अपडेट को लेकर। तो आप डेली रोजाना अपडेट रहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अल्काज़ार के लॉन्च की बात करते हैं, तो इसका जो लॉन्च है यहाँ पर हुंडई ने ऐसा कहा है कि हम इसका लॉन्च है वो 18 जून को करने वाले हैं, यानी कि जो अल्काज़ार का लॉन्च है वो पहले एक बार डिले हो चुका है, यानी कि पहले हमें अप्रैल या मई में देखने को मिलने वाला था, वो कोरोना पैंडेमिक की वजह से डिले हुआ था, लेकिन ये 18 जून वाला लॉन्च है वो हमें कंफर्म देखने को मिलने वाला है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस तारीख को यानी कि 18 जून को अल्काज़ार की प्राइस भी है हुंडई रिवील कर देगी। फिर बात करते हैं हम अल्काज़ार के वेरिएंट को लेकर, तो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो फर्स्ट है वो प्रेस्टीज, सेकंड है वो प्लेटिनम एंड थर्ड है वो सिग्नेचर। और दोस्तों ये तीनों वेरिएंट के हमें एक एक हायर वेरिएंट देखने को मिलेंगे, यानी कि जैसे मैं आपको कहूँ तो ये जो प्रेस्टीज है तो प्रेस्टीज में हमें एक हायर वेरिएंट देखने को मिलेगा प्रेस्टीज ऑप्शनल, उसी तरह प्लेटिनम में प्लेटिनम ऑप्शनल और सिग्नेचर में सिग्नेचर ऑप्शनल। तो इस तरीके से इसके कुछ 6 वेरिएंट होते हैं, और ये जो ऑप्शनल वेरिएंट होगा उसको यानी कि उसके साथ हमें सिर्फ ऑटोमेटिक प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हो कि ऑटोमेटिक इसमें मिलेगा, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा फीचर्स है वो शायद इसमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एंड फिर दोस्तों बात करूँ तो अल्काज़ार के साथ हमें ड्यूअल टोन कलर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि जो लास्ट जो वेरिएंट होगा यानी कि सिग्नेचर वेरिएंट, सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ऑप्शनल दोनों के साथ हमें ड्यूअल टोन का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, यानी कि ड्यूअल टोन को हम इंक्लूड करें तो यहाँ पर कुछ हमें 8 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो सिग्नेचर वेरिएंट होगा वो इसका टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है। और रही बात इसके 6 सीटर एंड 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, तो मैं उसको बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें कैसे कैसे कौन से वेरिएंट में हमें जो 6 सीटर एंड 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो इसके हम कलर ऑप्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर 6 कलर ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो फर्स्ट है वो फैंटम ब्लैक, उसके बाद नेक्स्ट है पोलर वाइट, उसके बाद नेक्स्ट है स्टेरी नाइट, फिर नेक्स्ट है टाइगर ब्राउन, उसके बाद है टाइटन ग्रे, एंड जो लास्ट है 6th है वो टाइफून सिल्वर। तो इस तरीके से कुछ हमें इसमें 6 कलर ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको वेरिएंट में कहा कि हमें इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है सिग्नेचर, उसके साथ ही हमें सिर्फ इसका ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन है वो पोलर वाइट और जो टाइटन ग्रे है, ये 2 कलर ऑप्शन यानी कि जो वाइट एंड ग्रे कलर ऑप्शन है उन दोनों के साथ ही हमें जो ब्लैक रूफ आता है उसके कॉन्ट्रास्ट में हमें ड्यूअल टोन कलर देखने को मिलेगा, बाकी जो 4 ऑप्शन है उसके साथ हमें कोई भी कलर ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और ये जो ड्यूअल टोन है वो मैंने आपको कहा जैसे कि हमें सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट यानी कि सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑप्शनल दोनों में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके 6 सीटर एंड 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, तो इसको लेकर जो चार्ट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट वेरिएंट है प्रेस्टीज, तो उसमें हमें मैनुअल है यानी कि जो पेट्रोल मैनुअल एंड डीजल मैनुअल उन दोनों में 6 सीटर एंड 7 सीटर देखने को मिलेगा, वहीं पर जो प्रेस्टीज ऑप्शनल है वो हमें सिर्फ ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा डीजल एंड पेट्रोल में, और जिसके साथ हमें जो पेट्रोल ऑटोमेटिक होगा उसमें हमें 6 सीटर, डीजल ऑटोमेटिक में हमें 7 सीटर। और वहीं पर हम प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम में पेट्रोल मैनुअल है उसमें हमें 7 सीटर, डीजल मैनुअल में 7 सीटर, और जो प्लेटिनम ऑप्शनल होगा उसमें पेट्रोल ऑटोमेटिक में हमें 6 सीटर एंड डीजल ऑटोमेटिक में हमें 6 सीटर है, वो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप स्क्रीन को पॉज करके भी चेकआउट कर सकते हो एक बार। फिर बात करते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट सिग्नेचर को लेकर, तो ये जो वेरिएंट होगा यानी कि सिग्नेचर होगा उसमें हमें कोई भी 7 सीटर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ना तो ऑटोमेटिक ना तो मैनुअल, तो पेट्रोल और मैनुअल है उसके साथ हमें 6 सीटर एंड डीजल मैनुअल, एंड जो पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड डीजल ऑटोमेटिक चारों में हमें 6 सीटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और जो ड्यूअल टोन है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो टॉप एंड वेरिएंट होगा यानी कि जो सिग्नेचर वेरिएंट है उसके साथ हमें काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे, यानी कि फीचरफुल हमें वेरिएंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो 6 सीटर वेरिएंट है तो ऑब्वियसली इसके जो मिडल रो यानी कि जो इसका बीच का रो होगा उसमें हमें कैप्टन सीट देखने को मिलेगी, तो काफ़ी कम्फर्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा ये वेरियंट होने वाला है।
और दोस्तों एक बात की, अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है कि इसका जो ऑटोमेटिक वेरिएंट यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो आपको सिर्फ ऑप्शनल वेरिएंट में देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्रेस्टीज ऑप्शनल, प्लेटिनम ऑप्शनल एंड सिग्नेचर ऑप्शनल, यानी कि उन तीन वेरियंट में ही आपको जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आपको अगर आप नॉर्मल वेरिएंट यानी कि प्रेस्टीज, प्लेटिनम, सिग्नेचर में आप लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ मैनुअल देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इसके थोड़े बहुत फीचर्स को लेकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पहली बार इसकी जो इंटीरियर है उसको लेकर फर्स्ट इमेज हमें देखने को मिली है कि इसका इंटीरियर हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो इसका इंटीरियर है उसमें हमें क्रेटा की झलक देखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ पर हमें जो ब्लैक एंड ब्राउन के डिफरेंस में हमें जो यानी कि कॉन्ट्रास्ट में हमें जो केबिन का थीम या फिर लेआउट कह सकते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसके जो फीचर है वो हमें सेम क्रेटा के जैसे देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि इसमें हमें 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देखने को मिलेगा जो कि टच स्क्रीन होगा। एंड उसी के साथ इसमें हमें क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होगा, और फिर फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, फिर वायरलेस चार्जिंग, और इसके साथ यानी कि ये कार है वो 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग के साथ आएगी। और दोस्तों इसमें वॉइस ऑपरेटेड जो पैनोरामिक सनरूफ आता है वो हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें हमें 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलेगी, यानी कि ड्राइवर को भी काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट लगेगी। और इसमें हमें 8 स्पीकर का बॉस का साउंड सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करें इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की, यानी कि सारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ फीचर है जैसे कि इसमें हमें अप टू 6 एयरबैग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फ्रंट एंड रियर में पार्किंग सेंसर के साथ रियर में हमें कैमरा भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सेफ्टी को लेकर फीचर है वो हमें इसमें देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पर हमें बेसिकली दो इंजन प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन। यहाँ पर जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो हमें एक एलेंट्रा एंड ट्यूसन में देखने को मिलता है, उसका एक अपडेट वर्जन है जो कि 159 PS का पावर और 191 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम डीजल इंजन की बात करें जो कि 1.5 लीटर का है, वो हमें सेम यानी कि जो क्रेटा में प्रोवाइड किया जाता है वही सेम इंजन हमें इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जो कि 115 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और दोस्तों ये दोनों इंजन हमें 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ हमें इको, सिटी एंड स्पोर्ट, ये कुछ हमें ड्राइव मोड्स आते हैं, यानी कि 3 ड्राइव मोड्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ हमें 3 ट्रैक्शन मोड देखने को मिलेंगे, यानी कि स्नो, सैंड एंड मड, ये कुछ 3 हमें ट्रैक्शन मोड इसके साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करें इसकी प्राइस को लेकर, तो इसकी जो प्राइस है वो ऑफिशियली हुंडई ने अनवील नहीं की है कि हुंडई वो इसकी प्राइस है वो यानी कि लॉन्च के दौरान इसकी जो प्राइस है वो अनवील करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन है इसकी जो प्राइस है वो हमें 13 लाख से 20 लाख के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, या फिर 20 लाख के अराउंड हमें देखने को मिल सकती है। तो यानी कि ये जो प्राइस है वो हमें एक्स शोरूम देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करें इसके राइवल की, तो इसके राइवल में टाटा सफारी, एमजी एक्टर प्लस, महिंद्रा एक्सयूवी 500 और जो महिंद्रा की अपकमिंग एक्सयूवी 700 है वो भी हमें इसके राइवल में देखने को मिलेगी। और दोस्तों जब ये लॉन्च होगी तो इसके प्राइस को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में यही कुछ था, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और आपका कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।